नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। सांसद राजकुमार सैनी ने आज रेवाड़ी के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते हुए पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बार राज्यसभा को खत्म करने और जातिगत आधार पर नौकरी देने की बात दोहराई। राजकुमारी सैनी ने एग्जिट पोल को देखते हुए कहा कि राहुल गांधी हार कर रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। राजकुमार सैनी ने हाल ही में सामने आए जातिगत आंकड़ों को जाट समुदाय द्वारा ना मानने पर कहा कि जाटों ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं माना, वो जातिगत आंकड़ों को कैसे मानेंगे। उन्होंने कहा जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 16,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी जाति छुपाई है, इसलिए पहले ये जाँच होनी चाहिए कि जाति किसने और क्यों छुपाई। राजकुमार सैनी ने राज्यसभा को खत्म करने की बात दोहराते हुए कहा कि सांसद के सामने जो जनप्रतिनिधि हैं वो भिखारी के समान बैठा रहता है और जो टिकट खरीद के चोर दरवाजे से राज्यसभा में आता है उनके यहाँ फरियादियों की लाइन लगी रहती है। हमारे राज्यसभा के माध्यम से इस देश की सारी पार्टियाँ मकड़ जाल की तरह इस देश के ऊपर चुनी हुई प्रक्रिया के ऊपर हावी है। जिनको जनता चुन के भेजती है वो लोग कहीं फरियादी बन करके या भिक्षुक बन करके उन लोगों के दरबार में खड़े होते हैं जो लोग चोर दरवाजे से इस देश को चला रहे हैं। वही टिकट बांट रहे हैं, वही टिकट बेच रहे हैं, वही देश को चला रहे हैं। जिनको जनता चुन के भेजती है वो तो बेगर टाइप में जाकर के वहां खड़े होते हैं। बस ये है कि पहले राज्यसभा से अंग्रेज चलाते थे, आज ब्लैक स्किन के लोग चला रहे हैं।